हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रही हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, इसका स्टेबल होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। जिन महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर खराब होता है, उनके ऑल ओवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होती है। इनके शरीर के अंदर पीरियड का साइकिल भी सही से वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में काफ़ी इनरेगुलरिटी देखी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, अगर वो बिगड़ जाए तो कंसीव होने में दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि बार बार मिसकैरेज का खतरा रहता है। ऐसी परिस्थिति में जब आपका ओवुलेशन समय से होता भी है, एक फर्टिलाइज्ड भी होता है, फिर भी इम्प्लांटेशन खराब होता रहता है। इस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और आपको अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी है तो इसको कैसे आप समझ सकती हैं, इसका संकेत शरीर बहुत ही आसानी से आपको देता भी है, बट इसकी जानकारी बहुत बार महिलाओं को नहीं होती है। मैं कुछ खास लक्षण आपको बता रही हूँ, वो लक्षण अगर आप में अपीयर होते हैं तो आपके शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो डॉक्टर्स कई बार हमारे हार्मोन को ठीक तरीके से रेगुलर रखने के लिए कई सारे इंजेक्शन का भी प्रयोग करती हैं, हार्मोनल इंजेक्शन का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बदलाव होता है, जब आपका प्रोजेस्टेरोन बिल्डअप नहीं हो रहा है आपके शरीर के अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी इन द सेंस कि कई बार आपका मन काफ़ी विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, और इस कंडीशन में आप बार बार चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती हैं, बार बार शरीर का थक जाना, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहना। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है वो होता है आपके थायराइड में प्रॉब्लम होना। हमारे बेसिकली थायराइड भी एक हार्मोन होते हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ख़राब है शरीर के अंदर, तो थायराइड हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर का वजन बढ़ना, बहुत बार ना चाहते हुए भी, कम खाते हुए भी मोटापा जल्दी से आ जाना, ये सब कुछ हमारे हार्मोन के बिगड़ने की वजह से भी होता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छा डाइट और एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंजाइटी है उसे ख़त्म करने के लिए हमें रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक इलाज है, जो कि प्राचीन वर्षों से करते आ रहे हैं, और योगा करने से आपका शरीर भी बहुत हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इसी वजह से फ्रेंड्स, रोज प्रतिदिन यानी आपको करीब 30 मिनट्स आधे घंटे तक योगा आसन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत भारी भरकम योगा के पोस्चर्स को अपनाना जरूरी नहीं है, वही पोजिशंस यूज करें जिसको आप बहुत सरलतापूर्वक कर सकती हैं, जैसे कि आप व्यायाम कर सकती हैं। इसमें आप सुबह का सूर्य नमस्कार कर सकती हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है, मेडिटेशन कर सकती हैं, इसके अलावा टहल सकती हैं और थोड़ी बहुत जॉगिंग भी कर सकती हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकती हैं। इससे आपका शरीर का हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका वेट कंट्रोल होगा और साथ ही साथ फ्रेश ऑक्सीजन का कंजप्शन आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अच्छे एग के ग्रोथ के लिए भी ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डाइट में ऑलवेज न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फूड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हरे पत्तेदार साग सब्जियां खाना, लो ऑयल फूड का कंज्यूम बढ़ाना। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बाहर के कोई भी बेकरी के आइटम्स को नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी को भी कम करना है, और दोस्तों टेंशन फ्री रहना है। ऐसा काम करने से बहुत ही जल्दी आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बन जाएगा और आप कंसीव करने के लिए तैयार हो जाएंगी, और आपके ओवुलेशन को भी आप समझ सकेंगी। ओवुलेशन की जानकारी हर महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त होना चाहिए। ओवुलेशन पे प्रॉपर मेरी वीडियोस हैं जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो के मिल जाएंगी, तो उसे भी जरूर समझिए, क्योंकि ओवुलेशन समझ करके आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं विद इन 15 डेज के अंदर। तो आइडियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहती हैं और जल्द से जल्द नेचुरल कंसेप्शन चाहती हैं, तो आपको मैं डेली जो टिप्स देती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा असरदार और काफ़ी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचा चुकी है। कई सारी महिलाओं ने कंसीव किया है हेल्दी प्रेगनेंसी विदाउट एनी ट्रीटमेंट।
सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल को जो वीडियोस के थ्रू मैं आपको सजेशन देती हूँ उसको ज़रूर अपनाइए, पॉजिटिवली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।